दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं काइट कैचिंग। यहाँ हमारे छत के पीछे बहुत ही ज्यादा काइट फाइटिंग हो रही है, तो आपको पूरी काइट फाइटिंग करके दिखाने वाले हैं। काइट कैचिंग भी करके दिखाएंगे, काइट फाइटिंग भी करके दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें पूरा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ पर पतंग लेकर आए, आज हम पन्नी वाली पतंग से काइट कैच। यहाँ आपको चौहल्ले से पतंग चिमटा कर दिखाने वाले हैं। आपको चौहल्ला ये कैसे बनाया जाता है अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट कर दें, इसको हम आपकी नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाकर डाल देंगे किस तरह से पतंग चिमटाया जाता है। चलिए दिखाते हैं आपको। हमने अपनी पतंग पार करना चालू कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं पन्नी वाली पतंग बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे हमने सर्दी की जगह लैलून का यूज़ किया है, क्योंकि सर्दी बहुत जल्दी उलझ जाती है और आपकी सर्दी बहुत जल्दी कट कर चली जाती है। लैलून होगा, इससे आपकी पतंग जल्दी से कटती नहीं है और सरक कर सीधा ये कन्ने पर लेके जाती है, जिससे पतंग बहुत आसानी से चिमट जाती है। चिमटाकर दिखाते हैं, बहुत ही पीछे पीछे लड़ रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। दोस्तों यहाँ काफ़ी देर के बाद हमारी छत के पीछे से एक पतंग आई यहाँ पे कट के, ये काली पतंग है। यहाँ पे हमने उस पतंग को जाकर चिमटाने की कोशिश की, पर उसका जो डोर था वो बिल्कुल हमारे हाथों ही में आ गया, तो इसलिए हमने पतंग को चिमटाया नहीं बल्कि पकड़ ही लिया आती से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पतंग थी उसको हमने पकड़ लिया और अपनी पतंग को वहाँ पे छत पे पट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस पतंग को उतार के कौन मंजे से पतंग कट कर आई। और जब हमने इस पतंग को यहाँ पे पट खींच कर देखा तो बहुत ही अच्छी पतंग थी। यहाँ पे हमने जब पास जाकर देखा इस पतंग को, तो यहाँ पे इस पतंग में काली पतंग थी और इसके अंदर टेपिंग वोपिंग बहुत ही ज्यादा हो रखी थी, बिल्कुल बाजी वाली पतंग लड़ रही है। यहाँ पे पूरा टेपिंग वोपिंग होकर यहाँ पर सादे मंजे से पतंग लड़ रही, काला मंजा बना हुआ था इस काली पतंग के अंदर। काली पतंग और काला मंजा बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा। और यहाँ पर इसी बीच एक और पतंग यहाँ पर कट कर आ रही थी और इसको हमने जल्दी से चिमटाने की कोशिश की, पर पीछे से किसी ने इसे पकड़ लिया और जल्दी से हमने उस पतंग को फंसा कर अपने पास खींच लाया यहाँ पे उसका डोर, और जल्दी से पकड़ कर पीछे से हमने डोर को तोड़ लिया है जिससे पीछे वाला ना हिंच सके। और यहाँ पे हमने जल्दी से उस पतंग को खींचा और वो पतंग ऊपर वाले छत पे फंस गई थी, पर थोड़ी देर छुटाने के बाद वो पतंग छूट जाती है। और जब पास जाकर देखा तो ये बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगी पतंग है, इसको तो हम उड़ाएंगे नहीं। यहाँ पे आधे घंटे के बाद एक पतंग हमारे छत पे और आ रही थी, लग तो रहा है ये पतंग हमारे छत पे ही गिर जाएगी, इसलिए हमने उसे चिमटाने की कोशिश भी नहीं की और वो पतंग हमारे छत ही पर आकर गिर गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वो पतंग बहुत ही ज्यादा पुरानी पतंग लग रही है, पर बड़ी पतंग, बहुत ज्यादा बड़ी पतंग है जी। यहाँ पे ये भी सादे मंजे से पतंग आई थी, यहाँ पे इसका जो वो बहुत ज्यादा पुराना के कारण ये पतंग फट रही है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे आज हमने पूरी तीन पतंग चिमटाई है, इसमें से तीन में से दो पतंग तो हमने लूट ही ली है, बिल्कुल हमारे छतों पर गिर गई थी आकर, पर एक पतंग हमने चिमटा कर लाई जो पीछे से लड़के ने पकड़ ली थी।